हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एलीट इंग्लिश क्लब। और आज मैं क्लास 12th के लिए चैप्टर 5 फ्लेमिंगो बुक से इंडिगो लेकर आई हूँ। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। और अब तक आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे तो कीप लाइक्स एंड कीप शेयरिंग। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इस चैप्टर के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके ऑथर के बारे में जानते हैं। इसका ऑथर लुइस फिशर हैं, जिनका जन्म 1896 एंड डेथ 1970 में हुई। इनका जन्म फिलाडेल्फिया में हुआ। ये एक वॉलंटियर ब्रिटिश आर्मी के एक सर्वर थे, जिन्होंने अपनी इच्छा से ब्रिटिश आर्मी में सेवा की। और इनका ड्यूरेशन रहा 1918 टू 1920। फिशर ने अपना करियर एज अ जर्नलिस्ट बनाया। इन्होंने बहुत सारी फिक्शंस और मैगजीन्स में वर्क किया है, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द सैटरडे रिव्यू एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशन में इन्होंने वर्क किया है। वॉज ऑल्सो अ मेम्बर ऑफ द फैकल्टी ऑफ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के फैकल्टी भी रहे हैं। तो यहाँ पर ऑथर ने अपनी ही लाइफ का एक इंसिडेंट बताया है, जो कि महात्मा गांधी से संबंधित है। एज ए राइटर इन्होंने उनसे मुलाकात की, उसी का एक एक्सपीरियंस ये यहाँ पर शेयर करते हैं। ये स्टोरी है इंटरव्यू की, जो कि लुइस फिशर ने खुद ही राइटर ने लिया है, ऑथर ने, महात्मा गांधी का, जिसमें महात्मा गांधी के एक चंपारण जो था एरिया, वहाँ से रिलेटेड स्टोरी है। वहाँ का एक इंसिडेंट है जिसमें इन्होंने बताया कि उन पर लिखने के लिए, उनके लाइफ से संबंधित कुछ इंसिडेंट्स लिखने के लिए उनकी मुलाकात 1942 में महात्मा गांधी जी से हुई, आश्रम सेवाग्राम में, जहाँ पर उन्होंने उनको इंडिगो मूवमेंट के बारे में बताया, जो कि गांधी जी ने शुरुआत की थी। ये स्टोरी गांधी जी के स्ट्रगल के बारे में ही है, जो उन्होंने इंडिगो मूवमेंट के टाइम सफ़र किया। और अदर प्रोमिनेंट लीडर्स जिन्होंने उनके साथ शेयर क्रॉपर्स की हेल्प करी, और जो भी उस इंडिगो मूवमेंट को उन्होंने उसको हटाने में, जो शेयर क्रॉपर्स का शेयरिंग था उसको देने में उन्होंने काफ़ी मदद करी। पेजेंट्स की, एक पेजेंट्स के बारे में है, जो पेजेंट्स पर उन ब्रिटिशर्स ने किराए पर ज़मीन देकर उसे खेती करवाते थे, और फिर उसके बदले उन्हें उनसे शेयर ले लेते थे क्रॉप्स का। इसे ही शेयर क्रॉपर कहते हैं। सो लुई फिशर जब गांधी जी से 1942 में मिलते हैं उनके आश्रम में, सेवाग्राम में, तब गांधी जी उन्हें बताते हैं कि कैसे उन्होंने ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाने का प्रारंभ किया। वो उसे बताते हैं कि 1917 में जब राजकुमार शुक्ला एक पीजेंट था, उसकी रिक्वेस्ट पर वो चंपारण जाते हैं। और ये जो राजकुमार शुक्ला था, ये भी एक शेयर क्रॉपर था चंपारण का से, वो एक बार उन्हें मिलने आता है। तब गांधी जी वहाँ पर नहीं होते हैं, वो लखनऊ गए होते हैं एक एनुअल मीटिंग अटेंड करने इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1916 में। शुक्ला उन्हें बताते हैं कि वो चंपारण से आए हैं और उनसे मदद चाहते हैं, जिससे कि वो शेयर क्रॉपर्स को मदद करके उनके इंटरेस्ट को कम करें। गांधी जी टोल्ड हिम दैट ही वॉज बिजी। गांधी जी बताते हैं कि वो बहुत बिजी हैं शुक्ला से, और तब शुक्ला उन्हें उनके साथ साथ चलते हुए बहुत सारे प्लेसेस में उनको एकम्पनीट करता है और
देन जब गांधी जी उसके इस डिटर्मिनेशन को देखते हैं तो काफ़ी खुश हो जाते हैं और उससे प्रेरित होकर प्रभावित होकर वो उनके साथ चंपारण जाते हैं। और तभी वो प्रॉमिस करते हैं कि जब वो कलकत्ता जाएंगे पर्टिकुलर डेट पर तब वो शुक्ला के साथ वहाँ पर जाएंगे। और तब शुक्ला को लेकर वो कलकत्ता जाते हैं और फिर उसके साथ वहाँ चंपारण जाएंगे। शुक्ला उन्हें कलकत्ता में मिलते हैं एंड फिर वहाँ से वो पटना के लिए ट्रेन लेते हैं और गांधी फिर राजेंद्र प्रसाद के घर जाते हैं जो कि एक लॉयर हैं एंड वहाँ पर वो उनका वेट करते हैं क्योंकि राजेंद्र प्रसाद घर पे नहीं होते हैं। वो कई लॉयर्स के साथ बिजी होते हैं। एक दिन जब वो रास्ते में कुछ कहीं जा रहे होते हैं तो वो एक किसान से मिलते हैं हु वॉज मल ट्रीटेड बाई द इंडिगो प्लांटर्स और वो बहुत ही बुरे तरीके से प्लांटर्स ने जो इंडिगो प्लांटर्स थे उन्होंने बहुत गंदी तरीके से उसके साथ बिहेव किया होता है। तब पुलिस सुपरिटेंडेंट मैसेंजर उसे मना करते हैं एंड हु सर्व्ड हिम अ नोटिस आस्किंग हिम टू लीव। तभी उन्हें वो एक नोटिस देते हैं और वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। गांधी उसे नोटिस को रिसीव करते हैं लेकिन उस ऑर्डर को मानने से मना कर देते हैं। वो मना कर देते हैं कि वो उनके साथ जाएंगे। तभी उनके अगेंस्ट एक केस फाइल हो जाता है और सभी लॉयर्स वहाँ पर बहुत सारे आते हैं उस केस में जो कि विटनेस होते हैं और उन्हें एडवाइस देते हैं कि ये मतलब कुछ ले देकर ये गुजारा कर लिया जाए लेकिन वो मना कर देते हैं एंड दे ऑल ज्वाइंड हिज स्ट्रगल। तभी सब लोग उन्हें ज्वाइन करते हैं उस स्ट्रगल में और उन्हें कंसेंट करते हैं कि वो जेल जाएं कि बारी बारी से वो लोग जेल जाएंगे जिससे कि पुअर पेजेंट्स की हेल्प हो सके। ऑन द डे ऑफ ट्रायल जब सजा सुनाने का दिन आता है तब बहुत लंबी मात्रा में काफ़ी क्राउड वहाँ पर कोर्ट में इकट्ठा हो जाती है एंड इम्पॉसिबल हो जाता है उनको हैंडल करना। गांधी हेल्प करते हैं ऑफिसर्स की कंट्रोल करने में क्राउड को और गांधी स्टेटमेंट देते हैं कि वो कोई लॉ ब्रेकर नहीं है, वो केवल इसलिए डिसोबे कर रहे हैं लॉ को क्योंकि वो पेजेंट्स की हेल्प कर सके। और इस प्रकार उनकी बेल हो जाती है। लेटर ऑन उस पर से केस भी ड्रॉप कर देते हैं जज। गांधी और उनके एसोसिएट्स फिर एक साथ इकट्ठा होकर इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और उसके मिसयूज़ के बारे में। इस प्रकार फिर बाद में कमीशन जारी होता है, बिठाया जाता है उस मैटर को लेकर और इंक्वायरी जब कंडक्ट की जाती है तो प्लांटर्स गिल्टी पाए जाते हैं और फिर उनसे उनको पे बैक करने को कहा जाता है पेजेंट्स को। यहाँ तक कि वो रिफ्यूज़ल एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं लेकिन वो ऑफर करते हैं। जब गांधी जी उन्हें 50% के लिए कहते हैं तो वो रिफ्यूज़ कर देते हैं और वो सोचते हैं कि 25% जब वो कहते हैं तो वो कर देंगे, मतलब मना कर देंगे, लेकिन गांधी एक्सेप्ट कर लेते हैं 25% पे बैक क्योंकि वो चाहते थे शेयर क्रॉपर्स को उस इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट से अलग करना। एंड ही ओपन सिक्स स्कूल इन चंपारण विलेज और चंपारण विलेज में उन्होंने सिक्स को स्कूल खोले एंड वॉलेंटियर्स लाइक महादेव देसाई, नरहरी पर और उनके बेटा देवदास सभी ने वहाँ पे मिलके पढ़ाई करवाई। कस्तूरबा गांधी ने वहाँ हाइजीन के क्लासेस दिए और उसके बाद कुछ डॉक्टर्स भी वहाँ पर वॉलेंटरली फैसिलिटी कराई गई चंपारण के नेटिव्स के लिए। और इस प्रकार ये उनकी लाइफ का एक अच्छी शुरुआत थी। अ पीस मेकर एंड्रयूज वॉन्टेड टू वॉलेंटियर और जो एंड्रयूज थे वो वॉलेंटियर्स में से एक थे, उन्होंने चंपारण आश्रम में आए और गांधी जी से बट गांधी जी ने उस टाइम रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि ही वांटेड इंडियंस टू लर्न द लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस। वो चाहते थे कि आत्मनिर्भरता इंडियन सीखें, इसलिए उन्होंने एंड्रयूज को मना कर दिया। एंड दे वुड नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, वो नहीं चाहते थे कि लोग उन दूसरों पर डिपेंडेंट हों। गांधी टोल्ड द राइटर दैट इट वॉज चंपारण इंसिडेंट कि ये चंपारण का इंसिडेंट था जो कि
उनको सोचने पर मजबूर कर देते हैं एंड ही डिड नॉट नीड द ब्रिटिशर्स एडवाइस कि उन्हें ब्रिटिशर्स की किसी एडवाइस की जरूरत नहीं है वाइल ही वॉज इन हिज ओन कंट्री क्योंकि वो अपने ही देश में है। इस प्रकार गांधी जी ने अपना इंटरव्यू दिया लुइस फिशर को और उनसे प्रेरित होकर लुइस फिशर ने उनके बारे में लिखा। आई होप ये इंसिडेंट आपको पसंद आया होगा और गांधी जी की अप्रोच भी आपको अच्छी लगी होगी। वो एक इंस्पिरेशनल हैं, इंस्पिरेशन है हमारे देश के लिए रहे हैं कि कैसे बिना किसी लड़ाई झगड़े के उन्होंने ये सल्यूशन निकाला और इस इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म किया और पिजन्स को अपनी भूमि दिलाई। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, कीप वॉचिंग, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू, टिल देन टेक केयर।